हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 26 एंड 27 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स में उपयोगी रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देखिए, इन्होंने जो अभियान शुरू किया है वो है माई बुक माई फ्रेंड। तो देखिए, विश्व पुस्तक दिवस या फिर इसे बोलेंगे वर्ल्ड बुक डे, ये मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। और इस साल 23 अप्रैल को जो इसका थीम था वो था शेयर ए मिलियन स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर टू, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा हाल ही में अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में शुरू की गई सीरीज का नाम बताइए। तो देखिए, एजुकेशन फॉर जस्टिस आपको ये याद रखना है, इसके तहत भारत में जो सीरीज स्टार्ट की गई है वो सीरीज है लॉकडाउन लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, उस संगठन का नाम बताइए जिसने ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से भारत की पहली COVID-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो किन किन ने, ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद ने क्या किया है, ये मोबाइल BSL-3 VRDL लैब विकसित किया। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो COVID-19 के जो सैंपल है उनको इकट्ठा किया जाएगा। तो ये विकसित किसने की है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। क्वेश्चन नंबर फोर, जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण JKSLSA ने निम्नलिखित में से किस पहल के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो देखिए, हेल्पलाइन सेवा शुरू की है सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के लिए 2022 के लिए स्थगित किए गए वर्ल्ड गेम्स के नए लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया। वर्ल्ड गेम्स का आयोजन जुलाई 2022 में कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बर्मिंगम USA में। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, हाल ही में CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत में COVID-19 टेस्ट करने के लिए विकसित की गई किट का नाम, तो ये देखिए उस किट का नाम है फेलुडा। तो देखिए, पहले जिस किट का यूज किया जा रहा था उसकी कॉस्ट आ रही थी 4500 के करीब, लेकिन इस किट की जो कॉस्ट है वो है 500। क्वेश्चन नंबर सेवन, हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीतिक हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किसने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर बेटर बिल्ड्स कप 2020 जीता? ये कप जीता है एलिजा फिरोजा ने। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलिजा फिरोजा ने जो अभी वही क्वेश्चन है, इनको हरा के जो इन्होंने कप जीता है, ये किस देश से संबंधित है, ये किस देश से है, ये है ईरान से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के महानिदेशक का नाम बताइए, गड़ा फाती वली। क्वेश्चन नंबर 12, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण की है? आपका आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी जी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण ली है। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने COVID-19 मरीजों का इलाज करने के लिए वाइटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। वाइटल की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, यहाँ पर वाइटल की फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। क्वेश्चन नंबर 14, हर साल संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका के
बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 15, सीआईएसएफ द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ई ऑफिस एप्लीकेशन का नाम बताएं, जो कि कई व्यक्तियों द्वारा फाइलों को बार बार न छूने के कारण कोरोना वायरस को संक्रमण से रोकने के लिए बिना छुए सीआईएसएफ की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाए। तो देखिए, ये आपका ऐप है ई कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 16, वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिससे निजी व छोटे व्यवसायियों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिले। तो ये कौन सा कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है रिचार्ज साथी। क्वेश्चन नंबर 17, उस देश का नाम बताइए जिसने अपने पहले सैन्य उपग्रह, आपको इस उपग्रह का नाम याद रखना है नूर, को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। तो देखिए, इनका पहला उपग्रह है, ये है ईरान का। क्वेश्चन नंबर 18, हर साल दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस, तो देखिए विश्व मलेरिया दिवस हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है इसका विषय क्या था इस साल, इसका विषय था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए पहला राज्य पूछा गया है, तो पहला राज्य है आपका केरल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।